मैं हूँ प्रीति और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गार्लिक नान की रेसिपी। गार्लिक नान आप लोहे के तवे पे बनाए जिसमें कि हैंडल हो, सेकने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्लिक नान बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप के करीब मैदा ले रही हूँ मैं, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से ले लें, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुनगुने पानी से इसको गूंथ लेंगे, मिक्स करके सभी चीजों को। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका डो तैयार कर लेना है। डो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, मिला देंगे अच्छे से और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट होने के लिए। इस तरह से बारीक बारीक लहसुनों को काट लेंगे नान में डालने के लिए। सारे लहसुनों को ऐसे ही काट लेंगे। ऐसे 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें से लोई ले लूंगी। बेल लेंगे इसको। गार्लिक नान बना रही हूँ तो इसके ऊपर पहले मंगरैल डालेंगे, गार्लिक डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, आप चाहें तो ओवल शेप का भी बना सकते हैं। अधिकतर रेस्टोरेंट में ओवल शेप का ही मिलता है पर मैं यहाँ गोल बना रही हूँ। अब हम इसको पलट के दूसरे साइड से पानी लगा देंगे और तवे पे रख देंगे सेकने के लिए। तवे पे हमारा नान चिपक गया है तो इसको अब पलट के हम सेकेंगे। तवे को मैंने पलट के सेक लिया था, हमारा नान ऐसा सिक चुका है। अब मैं इसके ऊपर बटर लगा दूंगी। आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी लगा सकते हैं। बटर मैंने लगा दिया है एक साइड से, अब इसको दूसरे साइड से भी पलट के बटर लगा देंगे। देखिए हमारा नान कितना अच्छा गार्लिक नान बन के रेडी है। आप इसे किसी भी मिक्स वेज सब्जी, पनीर की सब्जी, कोई भी मसालेदार सब्जी के साथ खा सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आज की गार्लिक नान की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।